Come to the next question. Consider the following floating point register. 16-bit register है 0 to 15, जिसमें 0 to 6, 7-bit mantissa, 7 to 14, 8-bit exponent and 15th bit is sign bit. Clear है? Now, obvious है, access 128 दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता, तो आपको पता होना चाहिए था प्रोसीजर। अगर 8 बिट का तो 2 की पावर k माइनस 1 आपका बायस होता है ना, और 2 की पावर k कितना है आपका 8 माइनस 1 7 से 14 दोनों नंबर को इंक्लूड करते हुए दैट इज नथिंग बट 128। क्लियर, दैट इज माय बायस। नो, अब अगर मैं वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन बोलू तो माइनस 1 की पावर 8 बाय डिफॉल्ट आपका जो बेस होता है वो क्या होता है बाइनरी, एंड 2 की पावर e माइनस आपका 128। क्लियर है? नो, अब आपको चाहिए मेंटीसा इज इन प्योर फ्रैक्शन। प्योर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या बोलोगे आप? एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। बाय डिफॉल्ट वही चलता है जब तक वो इम्प्लिसिटली आपको बोले ना। इन साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर दिस इन हेक्साडेसिमल। ठीक है भैया, आपको 375 इंटू 2 की पावर 14 इस नंबर का क्या चाहिए? इस रजिस्टर में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका आपको हेक्साडेसिमल पैटर्न चाहिए। ठीक है, नाउ 0.375 दैट इज 0.0.5 0.25 0.125 ये तो 0.375 बन गया इंटू 2 की पावर 14। नाउ चूंकि आपका प्रोसीजर पॉइंट इस चीज से मैच करने के लिए आपको पॉइंट राइट की साइड खिसकाना है, नाउ 0.11 इंटू 2 की पावर 13, क्योंकि हम राइट साइड गए तो एक पावर आपकी क्या होगी घट जाएगी। क्लियर है? नाउ अब आता है आपका ई माइनस 128 इज इक्वल टू 13। अगर मैं इसको 2 की पावर से ही कंपेयर कर लूं, व्हाट आई विल गेट, ई माइनस 128 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 13। क्लियर? नाउ अब आता है आपका E इज इक्वल टू 141 का बाइनरी अगर आप देखेंगे तो 128 64 32 16 8 136 4 140 2 और 1 141 हो गया 141 हो गया। नाउ व्हाट इज M? M आपका कितने बिट का है 7 बिट का। E आपका 8 बिट का है 1000 1101 आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ 7 बिट का M है 1 and 1। ऑब्वियस है अब आप 5 बिट क्या रखेंगे जीरोस। नाउ S E M आपको हर हमेशा याद रखना था, नंबर पॉजिटिव है दैट्स व्हाई 0। व्हाट इज E? 1000 1101 and 1100000। क्लियर है? नाउ ये आपका 16 बिट रजिस्टर हो गया। अब आप हेक्साडेसिमल चाहिए तो 44 की क्या करिए पेयरिंग करिए। नाउ इट इज 0, नाउ इट इज 14 इज नथिंग बट ई।
है ना। नेक्स्ट दैट इज सिक्स, नाउ इट इज फोर। इट इज माय हेक्साडेसिमल नोटेशन टू ऑफ दिस नंबर व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस रजिस्टर। जितने भी हमने वैरायटी सीखी है प्रीवियस क्वेश्चंस में, अब ये सारी की सारी वैरायटी छोटे छोटे वे में, क्योंकि हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें सारी वैरायटीज हमने पढ़ ली है। अब हम इसको वन बाय वन एक एक एग्जांपल में, इट इज नॉट द गेट क्वेश्चन, अब अपन गेट क्वेश्चंस पे भी मूव ऑन होंगे, लेकिन ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको करने आने चाहिए। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?